हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करने वाले कि नेचुरल गैस के सितंबर फ्यूचर्स करंटली यहाँ पर मार्केट में किस तरह से ट्रेड और यहाँ पर आपको किस तरह का मोमेंटम फेस जो यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो एज ऑन द फैक्ट यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि कल बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको वॉल्यूम बाइंग देखने को मिली, ऑल दो एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम जो है अपसाइड डायरेक्शन के अंदर जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। सो हमें यहाँ पर जो है वेट जरूर करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अभी आपको जिस तरह से आपको इंट्राडे पोजिशन बेसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कल के जो प्राइस लेवल थे उसको जरूर यहाँ पर ब्रेक किया और एक अच्छा सा इंट्राडे के अंदर जो हमारे टारगेट्स थे वो यहाँ पर जरूर अचीव हो गए। बट आपको पता चाहिए कि जो बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट लेवल जो है सॉरी रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पर हमारे पास एक्ट कर रहा है वो है नियरली एट द प्राइस ऑफ अराउंड वेट अ मिनट 343, दैट इज 344 का प्राइस लेवल अगर एक अच्छा सा बुलिशनेस के साथ अगर तोड़ता है तभी यहाँ पर आपको इंट्राडे पोजीशन के अंदर अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाए तो बना सकते हो। और करेंटली अभी 337, दैट इज ऑलमोस्ट 338 के आसपास करेंटली मार्केट में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे अच्छा जो सपोर्ट लेवल होगा नियरली यहाँ पर आपको 334.22 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको वॉलेटाइल स्टेट देखने को मिल रहा है। और ये जो अगर ये जो प्राइस रेंज के अंदर अभी जिस तरह से यहाँ पर आपको नेचुरल गैस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, अगर समझ उसको एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी अगर देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा सा आपको यहाँ पर जो लेवल्स है डेट इज रेजिस्टेंस भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नियरली वो 347 का टारगेट बता रहा है। और एज वेल एज डाउन साइड के अंदर हमारे पास नियरली टारगेट आ रहा है 329 के नियर बाय। सो आप इसके हिसाब से आप अपना इंट्राडे बेसिस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर मैं अभी करंटली आरएसआई की मोमेंटम की बात करूँ तो आरएसआई भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के आसपास ही करंटली यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो, ज्यादा कोई डाउनफॉल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वाली अच्छी बात जरूर आपको देखने मिल रही है। बट ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है उसके कारण हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि एमएसडी हमें इंडिकेशन दे शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए। बट राइट नाउ अभी तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है, सो हमें यहाँ पर वेट करना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर जो ट्रेड है अपनी जो है एग्जीक्यूट करनी चाहिए। और अगर आपको एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसके साथ में हमने जो यहाँ पर लेवल्स बताए प्राइस लेवल्स उसको तो आपको रिस्पेक्ट करना ही है। और उसके साथ साथ में अभी जिस तरह से आपको ट्रेंड फॉलो होते हैं देखने को मिला डेट इस आरएसआई का मोमेंटम वीक हो रहा है, बट प्राइस के अंदर अभी वीकनेस जरूर आ रही है, बट इतनी वीकनेस नहीं आ रही जितनी यहाँ पर आनी चाहिए। सो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि और डाउन ट्रेंड जो है पॉसिबिलिटी है कि आपको नेचुरल गैस 334 के आसपास भी आपको देखने को मिल सके। सो उसके हिसाब से आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है यहाँ पर आपको करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।